सोनी टीवी के पॉपुलर शो पेशवा बाजीराव में काफी ट्विस्ट और टर्न्स आ चुके हैं, आइए हम आपको बताते हैं। चिम्माजी गुरुजी का सच लाता है सामने और अपने परिवार को अत्याचार से बचा लेता है। चिम्माजी जब बातें जोड़ते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि कैसे पक्का कोई है जो गुरुजी से ये सब करवा रहा है बालाजी के परिवार के खिलाफ। चिम्माजी के दोस्त जब गुरुजी को जाकर कहते हैं कि वो उनसे पढ़ना चाहते हैं, तब गुरुजी बोलते हैं कि अब से वो गवार गांव वालों को नहीं सिखाएंगे क्योंकि पंजी ने उनके लिए काम ढूंढ लिया है। तब चिम्माजी समझ जाते हैं कि ये सब के पीछे भी पंजी का ही कुछ हाथ होगा। अब गांव वालों के सामने सच लाने के लिए चिम्माजी गांव वालों को एकत्रित होने बोलते हैं। तभी वो गुरुजी को एक संदेश भेजते हैं कि पंजी उनसे मिलना चाहते हैं और वो खुद पंजी की तरह तैयार होकर गुरुजी को जहां मिलने बुलाते हैं वहां उल्टा जाकर खड़े हो जाते हैं। गुरुजी पंजी को उल्टा खड़े हुए देखकर काफी घबरा जाते हैं और वो पंजी से माफी मांगते हैं। गुरुजी तब खुद ही सब सच बोलना चालू कर देते हैं कि कैसे उन्होंने उनके बोलने पर बालाजी के परिवार को फंसाया, उनके साथ चाले भी खेली। ये सब सुनते ही फिर जब चिम्माजी पलटते हैं, गुरुजी डरने के बदले उसे कहते हैं कि उन्हें गलत साबित करने के लिए उसे बहुत सबूत पेश करने होंगे गांव वालों के सामने। ये सुनते ही सब गांव वाले तब सामने आ जाते हैं और इसी तरह गुरुजी की सच्चाई भी बाहर आ जाती है। मजा आएगा देखने की अब गुरुजी को क्या दंड मिलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करिए और ऐसी चटपटी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।